ماہرہ خان، عاطف اسلم، حریم فاروق. Sixth Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. Yaadon ka ye samaan, jeene ka ye tawaan. थोड़े से अचार का क्या होगा शबाना? मेरे ख्याल से 2 किलो लीमू और हरी मिर्ची और मंगा लेते हैं। आपा, मैंने कहा है सब्जी वाले से वो सुबह लेता आएगा। ये बड़े बड़े बासी हो रहे थे तो मैंने कहा इनको ठिकाने लगा दूं। और ये मानो को देख ले, अभी तक नीचे नहीं उतरी है, बस शायरी की किताबों में सर देकर बैठी होगी। पता भी है कि चारा बच्चा भूखा पैसा है। मैं भी बना देती हूँ। पता नहीं कहाँ से रस्का पड़ गया इसको शायरी की किताबों का। इस उम्र में सभी पढ़ते हैं शबाना, याद नहीं हम दोनों बहनें कितनी किताबें पढ़ा करते थे ए हमीद और रजिया भट्ट की। आपा लेकिन घर के काम भी करते थे। मानो भी करती है काम, हमारा उसके पीछे ना पढ़ा करो। तुम्हें तो पता है ना, यानी कि शादी हो गई लेकिन हम दोनों ने कभी उसको कोई एक लफ्ज़ भी सख्त सा नहीं कहा। आपके बच्चों के सब उनका बाप सलामत है आपा। मेरी मानो यतीम बड़ी हुई है, मैं इसीलिए डरती हूँ। अच्छा, पुराना दुखड़ा लेके रोने ना बैठ जाओ, हम खा दुखी हो जाओगी। अल्लाह का शुक्र है हम दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई, इतना बड़ा घर, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं। ऐसा तरीके से जिंदगी गुजर गई। मगर शोहर की कमी तो नहीं पूरी हो सकती। तुम्हें याद है कितना इसरार किया था मैंने? मैंने कहा था मानो को मुझे दे दो और तुम दूसरा निकाह कर लो, मगर नहीं, तुम नहीं मानी। माँ का दिल था, कैसे मानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। मैं बहुत जोर की भूख लगी। हाँ तो मानो रोटी डाल रही है ना, ले लो उससे। मारे गए तो अब जल्दी रोटी खाऊंगा। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी है वो। इंकलाबी ना आ जाए फिर तो। आपा क्या था कि मैं शहरों उसके लिए रोटियां बना देती। रहने दो, खामखा हमारे सामने नखरे दिखाता है, उसके सामने तो जली हुई रोटी भी मजे ले लेके खाता है। अरे वाह, नॉट बैड। चुपचाप खा लो। मेरी हिम्मत है जो कुछ कच्चा पक्का मिलता है चुपचाप खा लो। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरे एग्जाम्स अभी भी खत्म हुए हैं। दोनों अम्माओं ने मिलके मुझे किचन में धक्का दे दिया है, खुद तो जवानी में रिटायरमेंट लेके बैठ गई हैं। मुझे ये बताओ कि मेरी कोई उम्र है काम करने की? नहीं नहीं, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, झूला झूलने की है और गोल गप्पे खाने की है, तो तुम मुझे लेके जा रहे हो। पिछली दफा की बेइज्जती याद है? तुम मेरी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते ना। अरे मानो बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो?
अच्छा ना, नाराज मत हो, ले जाऊंगा। प्रॉमिस। बाय द वे, हर रोज बालकनी में मुझे एक साया नजर आता है। कैसा साया? यही कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। इसे कैसे पता चल गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ, हालांकि मैं तो सबके सामने हूँ, सबकी नजरों में। तो फिर हो सकता है कि वो वाकई साया। तुम बच के रहना शहरोज, कहीं तुम पे हावी ना हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ कि साया मुझ पे हावी हो जाए, मेरे दिलो जान पे काबिज हो जाए, कहीं का ना रहूं, बस वो हो जाऊं। बहुत ही बदजौक लड़की हो तुम यार, अकेले बैठी घर में चाय पी रही हो। तो और क्या करूं? मैं मर गया हूं क्या? इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है, कहीं बाहर बैठते हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं घर में ज्यादा कंफर्टेबल। अरे बहुत बोरिंग हो तुम यार। तुम्हारे दोस्त कहाँ है? उनके साथ चले जाओ बाहर। कैसे लगे? अच्छे हैं, मगर मेरे लॉन के फूलों में इनसे कहीं ज्यादा खुश। इसको अंदर रख। तुम सुधरोगी नहीं ना? अब बस भी करो जमान। तुम बस करो जमान, मुझे प्रेशराइज मत करो प्लीज। मैं अपनी मर्जी से फैसला लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम अपनी कश्मकश से निकलोगी और फैसला करोगी। मुझे तो एक सेकंड नहीं लगा था ये फैसला करने में कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। समान, मैंने सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा था तुमसे। टेक योर टाइम, इनफैक्ट तुम पूरी जिंदगी दे लो, लेकिन याद रहे कि मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारी ड्रॉअर में बंद है, उसे निकाल लो प्लीज। कैसी लगी? खूबसूरत है बहुत। तो फिर पहन लो। तुम किसी लड़की को रिंग देने का मतलब समझते हो? यही कि वो लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है। समान, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ। शादी करोगी मरियम? समान। क्या समान यार, अजीब हो मरियम तुम। पता, डैड ने कहा था कि तुम किस लड़की से शादी करोगे। मैं उठा, घर से बाहर निकला, रिंग खरीदी और सीधा तुम्हारे पास आया। एक सेकंड के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा कोई और भी मेरी जिंदगी का हम सफर बन सकता है। और तुम मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हो ना? तो क्या ना करो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, और क्या चाहिए होता है रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा जमान। तो अब सोच लो। वैसे भी जमान हैदर के बारे में सोचने की जरूरत भी क्या है? दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझे इनकार कर सके। समान, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं एकदम से फैसला नहीं ले सकती, सोच के जवाब दूंगी। तुम एक दफा फैसला कर लो, ये अंगूठी जमान की जेब में रहेगी या तुम्हारी उंगली में, इसका फैसला कर लो। कब तक बंद रखोगी इसे यहाँ? मामा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये रोजाना आने वाले फूल भी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाए? मुझे नहीं पता। तो मैं ये थोड़ी कह रही कि सिर्फ जमान के बारे में सोचो, और भी बहुत से प्रपोजल्स हैं, किसी एक के बारे में सही कम से कम फैसला तो कर लो। भैया, आप हमारी बेटी को किस चीज के लिए प्रेशराइज कर रही हैं? ये जब मुनासिब समझेगी, जिसको अपने लिए मुनासिब समझेगी चूज कर लेगी। पापा आप कब आए? बस पापा आ गए, अब मामा की कौन सुनेगा। आप जेलस हो रही है ना मेरे पापा से? अच्छा जी, मैं क्यों जेलस होंगी आपके पापा से?
पापा आप ये बताएं कि आप कुछ खाएंगे या फिर आपके लिए एक मजेदार कॉफी बनाकर लेकर आऊं। खाना तो भाई फ्लाइट पे खा लिया था, मगर बेटी के हाथ की अच्छी सी कॉफी अभी बना के लाती हूं। आपका तो टूर 2 हफ्तों का था ना? हाँ, बस काम खत्म हो गया तो आ गया, और फिर घर के बगैर दिल भी खाने लगता है। आप ये बताएं कि आप मरियम को किस बात के लिए फोर्स करेंगे? आपकी लाडली को भला कौन फोर्स कर सकता है? समझा रही थी मुझसे। समझ जाएगी, अभी तो बच्ची है। आपकी नजरों में ना ये हमेशा बच्ची रहेगी, बस ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। होप्स। खैर आप फ्रेश हो जाएं, आपकी कॉफी आ रही है। एक बात बताइए मुझे वकील साहब, वकालत तो आपने छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली और घर बैठ गए, तो ये घर क्या अल्लाह तवक्कुल पे चलेगा? अरे पूरी कायनात अल्लाह तवक्कुल चल रही है, ये घर क्या चीज है? खैर अल्फाज में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, सीधे सीधे आप हिम्मत करके मार्केट जाए, दुकानों से किराया वसूल करके लेके आए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या शहरोज नहीं लाया? नहीं, उसको फुर्सत नहीं मिली, और सच्ची बात तो यह है कि मैं उसको वहाँ भेजना भी नहीं चाहती। आपको पता है गुस्से का तेज है, वहाँ किसी ने अगर किराया नहीं दिया तो गले पड़ जाएगा। मुझे समझाओ, अब वो बच्चा नहीं रहा है, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखे। मानो मानो क्या हुआ, हवा के घोड़े पे क्यों सवार हो, ना सलाम ना दुआ? मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी। अरे बेटा तुम ना पकाओ, कौन मजबूर कर रहा है? बाजार से आ जाएगा। लेकिन ताया वो इससे भी मेरा मुंह ठीक नहीं हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। शबाना ने फिर किसी बात पे डांट दिया होगा। मेरी मजाल है कि मैं इस शहजादी साहब को कुछ कह सकूं? अब सहेली की मंगनी में जाना है और कपड़े नहीं है पहनने को। क्या अभी तो फहमीदा की शादी में इतने सारे कपड़े बनाए थे? आपा यही तो मैंने कहा था कि उनमें से कोई पहन लो, लेकिन बस नाराज होकर चली गई। अरे बेटा भाई इसे पसंद नहीं आया होगा ना, तो जो सूट इसे अच्छा लगता है वो दिलवा दो। अगर इरफान भाई। हाँ सही तो कह रहे हैं, इस चमन की वही तो एक बुलबुल है, हम उसको उदास देख सकते हैं क्या? घने बादल, कहीं बारिश का इम्कान तो नहीं? एक सूट पसंद का नहीं मिला तो इतनी उदासी? जिंदगी में ना जाने क्या क्या खोना पड़ता है मैडम। जिंदगी कितनी छोटी सी है, उसमें भी इंसान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी छोड़ दे। छोटी क्यों, अभी तो हमें साथ बड़े होना है और फिर साथ बूढ़े भी। मुझे बुरा नहीं होना। क्यों? तुम्हें पता नहीं है बुढ़ापे में इंसान कितनी सारी बीमारियां लेके आता है, ना खाने का मजा ना पहनने का मजा। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को जवानी में ही मर जाना चाहिए। मानो क्या बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? जिंदगी की बात किया करो, साथ जीने की बात किया करो। तुम्हें खोने का तसव्वुर भी करता हूं तो कसम से मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। बहुत बुरा मजाक था। अच्छा भाई, तुम जैसे बहुत अच्छे मजाक करते हो। अच्छा छोड़ो, कल हम तुम्हारे ड्रेस की शॉपिंग के लिए जाएंगे। वाह
वाकई आपको कोई शक है? नहीं, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत अच्छे हो। कितना अच्छा बताओ। हम मार्ट से मिले अब कुछ ज्यादा। Shop groceries worth of Rs. 3000 and get gift card worth Rs. 500 for free. Hum Mart kare life aasan. Tumhari mama cha rahi thi ki main tumse baat karu. Isliye unhone join nahi kiya. Unhe hamesha se lagta hai ki tum apne dil ki baat unse zyada mujhse karti ho. Haan to zahir hai. Aap mujhe kitna understand karte hain. तो फिर मुझे बताओ ना कि सामान पे तुम्हें क्या इतराज है? ढूंढने से भी कोई इतराज नहीं मिलता। तो फिर बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी फैमिली है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत सारी फैमिलीज उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं, एजुकेशन में, करियर में कोई कमी नहीं, तुम दोनों की पुरानी दोस्ती है, आदत में, फितरत में कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई कमी नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझे बताओ। मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल मुकम्मल है वो। मेरे होने ना होने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ही मैं खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में आना चाहती हूँ कि जिसे मेरे आने के बाद अपनी जिंदगी मुकम्मल लगे। जमान अच्छा है, मुझे पसंद भी करता है, मगर कल को अगर मैं पीछे हट गई तो उसके आगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अच्छा, और वो जो इतनी एफर्ट्स कर रहा है तुम्हारे लिए, वो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने उसको पहली दफा में हाँ नहीं की। वो मुझे उसी कतार में खड़ा समझ रहा है जहां पे लड़कियां उसके प्रपोजल का वेट कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ईगो है बस। तो फिर ठीक है, मुझे जज कर लेने दे। किसको जज करोगी, उसे या खुद को? शायद दोनों को। मरियम ठीक है ना, इसे कुछ टाइम दो। अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठे रहते हैं। मर्जी आप दोनों की। डोंट वरी, तुम आराम से फैसला करो, परेशान मत हो। चल शबाना, देखिए आपा अभी तक नहीं आए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आ जाएंगे। अच्छा लगता है आपा इतनी देर तक बाहर रहना, वो भी रात को। अरे शरोज के साथ है। जो भी हो, मुझे ठीक नहीं लगता ये सब ना।
आप लोगों की शादी हुई है। सर पर चढ़ा कर रखा है आप लोगों ने महानूर को, सबकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती है वो। अच्छा भाई ठीक है, हम ही ने सर पर चढ़ा रखा है, बस खुश तो ठीक है, बाद में भुगतिए कभी खुद ही। भुगत लेंगे बीवी, भुगत लेंगे, लड़की हमारी लड़का हमारा, तुम क्यों बावली हुई फिर रही हो? क्यों पागलों की तरह से टेंशन लेती हो शबाना? अभी थोड़ी देर पहले शेरोज का फोन आया था, वो कह रहा था 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, बस खुश। अच्छा फिर आप जाकर सो जाए। चलो ठीक है, तुम जागती रहो। शब्बख़ैर। अच्छा सुनो, अम्मी को ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दिए? पहले कभी कहा है? नहीं बताया, लेकिन इस दफा थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए। ये बात सुनो, जब तुम अपनी पसंद की चीज लेती हो ना तो तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। उनकी रोशनी देखने के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ, सब कुछ। अब आ जाओ या कुछ बाकी रह गया है? नहीं कुछ भी बाकी नहीं रह गया। देखिए ना, शहरों से मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाई है और ये तो रुक ही नहीं रहा था। मुझे तो नींद आने लगी थी, मैं कह रही थी चलो शहरों से घर चलो, यही नहीं सुन रहा था। बस अब ये सारा सामान मैं कमरे में रखूंगी और सो जाऊंगी। गुड नाइट। खाला इतनी खूनखार नजरों से क्यों देख रही? कल को आसमान के तारे तोड़कर लाने के लिए कहेगी तो क्या वो भी ले आओगे? पूरे महीने की तनख्वाह खर्च करवा दी ना उसने। खाला कोई बात नहीं, अगला महीना भी तो आने वाला है। और अगले महीने उसकी कोई नई फरमाइश होगी? खाला मैं कमाता किस लिए? मानूर के लिए ना, और जितना मैं उस पर खर्च करता हूँ उतना मेरी इनकम में इजाफा होता है। शहरोज तुम उसे बिगाड़ रहे हो। खाला कोई किसी को नहीं बिगाड़ रहा, रिलैक्स। जब तुम अपनी पसंद की चीज लेती हो ना तो तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। बच के रहना शहरोज, कहीं तुम पे हावी ना हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये साया मुझ पे हावी हो जाए। हुमायूं सईद, कुबरा खान, हमजा अली अब्बासी, सिक्स्थ हम अवार्ड, सैटरडे 28 जुलाई 2018। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। Thank you.
बहुत चाहती हूँ कि मरियम की शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स हो जाए, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जमान से शादी नहीं करना चाहती। आपको किस बात की जल्दी है? मैं खुद नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला जल्दबाजी में करे। जल्दबाजी की बात नहीं है, मुझे लग रहा है वो इनकार करना चाहती, मगर उसके पास इनकार का कोई माकूल जवाब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरियम किसी और को पसंद करती हो? समान, तुम कब आए? तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मगर तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? मरियम, तुम किसी को पसंद करती हो? ये कैसा सवाल है समान? तो फिर मुझसे शादी से इनकार क्यों किया? मैंने तुमसे शादी से इनकार नहीं किया, सिर्फ वक्त मांगा। फिर इनकार? समान, ये क्या कर रहे हो तुम? इस अंगूठी की जगह तुम्हारी उंगली है या फिर? या फिर कम से कम इतराज नहीं है। अब तुम मुझे प्रेशराइज कर रहे हो ना? नहीं मरियम, सिर्फ तुम्हारा प्रेशर कम कर रहा हूं। उसने रिंग फेंक दी? हाँ, और तुमने उसे ऐसा करने दिया? उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। यार, मुझे समझ नहीं आता, तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हें कितना चाहता है, तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हो? मैंने कुछ ज्यादा बुरा सलूक तो नहीं किया। मतलब ये क्या किया तुमने, रिंग फेंक दी जमान? अरे, मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम मेरी दी हुई चीज को इस तरह दराज में। मुझे ऐसा लगा कि तुमने रिंग को नहीं बल्कि मुझे दराज में बंद कर दिया। समान, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ अपने फैसले को परखना चाह रही थी, और शायद तुम्हें भी। तुमने रिंग फेंक दी। क्यों फेंकी? अब मुझे पता नहीं मिले ना मिले, मैंने सोचा था मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी। वाकई? हाँ। ये लो, पहन लो। समान, तुमने मुझे डरा दिया था सच में। और मैं पहनूं? तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्चुअली इस बात की वजह से सब मुझसे नाराज रहने लगे थे। तो तुम ये फैसला इसलिए कर रही हो कि कोई तुमसे नाराज ना हो जाए? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तुम थे? मुझे तो लगा अम्मी आ गई। किससे बात कर रही थी और मेरे आने पे रख क्यों दिया? मानो किससे बात कर रही थी? दोस्त से। किस दोस्त से? स्कूल में पढ़ते थे साथ में। अब्बू की डेथ हो गई, महंगा स्कूल था, मुझे छोड़ना पड़ गया, फिर इंटरनेट पे दोस्ती हो गई। और तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अरे, मैं मजाक कर रहा था। तुम इसे मजाक कहते हो? तुम पे शक करने से बेहतर है मैं मर ही जाऊं। तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मानो, मजाक कर रहा था, मानो। आप, अब वक्त आ गया है कि मैं आप दोनों की इमारत आपके हवाले कर दूं। कैसी गैरों किसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, अपने घर के बच्चे हैं, जब तुम कहोगे निकाह कर देंगे। हाँ हाँ, इसमें क्या देर है? देखो ना, मानूर का माशाल्लाह इम्तिहान खत्म हो गया और अल्लाह के फजलो करम से शहरोज भी जॉब पे लग गया।
तो फिर देर करने का क्या मौका है? मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते की कोई तारीख निकाल लेते। इरफान भाई। हाँ हाँ, और क्या, देखो ना यहाँ कोई बड़ी जहेज का भी चक्कर नहीं है, दोनों बच्चे मिल के शॉपिंग कर लेंगे। आपने तो पल भर में सब कुछ तय कर दिया। अरे भाई, बेटी दामाद से तो मशवरा कर लेते, वो आ भी सकते हैं या नहीं? वो सब मैं कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो, सब कर लूंगा। चलो भाई, मुबारक हो। आपा, मैं बेटी वाली हूँ, मुझे कुछ तैयारी तो करनी होगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खामखा चलो मिठाई खिलवाओ। काय मिठाई मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। अम्मी, कुछ नहीं हुआ। शहरों से लड़कर आई हो? मानो बेटा, कब बड़ी होगी, शादी होने वाली है अब तुम्हारी, ऐसी बच्ची बनी रहती हो, बात बात पे नाराज हो जाती हो। मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब आप मुझे लोरी भी नहीं सुनाएंगे। बस मैं मानने को किसी तरीके से इस कमरे से निकाल दूं। तुम तो मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हें कमरे से कैसे निकालूंगी? चलोरी सुननी है। मेरी जानो, मेरी मानो, चुपके से छुप गई कहां, कैसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं, तुम्हें खुद आ जाओ ना, चंदा कहाला, बलाई का प्याला रखा तुम्हारे लिए। हस्ती रहो तुम, बस्ती रहो तुम, दुआएं तुम्हारे लिए। मानो बिल्ली गुड़ की डल्ली, माँ की गोदी में आ जाओ ना, कैसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं, तुम्हें खुद आ जाओ ना। सुना है किसी को खुशी में भूख बहुत लगने लगती है। कैसी खुशी में? शादी की खुशी। शादी तो तुम्हारी भी हो रही है। घर वालों ने पकड़ के खाला की बेटी के साथ बांध दिया, अब क्या करता, गले पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है। अभी जाकर ताया अबू से बात करती हूँ। अच्छा, उनसे क्या कहोगी? ये कि उनका बेटा शादी से खुश नहीं है और उसको जबरदस्ती का ढोल बजाने पे हरगिज मजबूर ना करें। लेकिन ये भी तो सोचो ना, खाला की बेचारी बेटी का क्या होगा? क्या पता कि वो बेचारी खाला की बेटी के पास कोई और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हो। मानो मानो, कहाँ जा रही हो? ताया अबू, मुझे आपसे बात करनी है। मानो, देखो ये तस्वीर भेजी आली ने, कह रही ऐसा वाला लहंगा ले ले। हाँ, लेकिन ये कलर मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद तो ठीक है, फिर मैं उसको फोन करके कहती हूँ कोई और तस्वीर भेजे। ठीक है। मानो, मैं सोच रही थी इसी को पॉलिश करवा लूँ या तो मैं तुड़वा कर नया बनवाना है। अम्मी, नया बनवा है ना। अच्छा, मुझे तो वैसे ठीक ही लग रहा था, पर चलो तुम्हारी मर्जी, देखती हूँ। साहब, मुझे आपसे बात करनी है। जी कुरेश साहब, जी 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 जी, दरअसल मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी जिंदगी में सिर्फ अब्बू की कमी थी।
एक ऐसी कमी जिसका कभी किसी ने एहसास ही नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर अब्बू होते तो वो मुझे ताया अब्बू से ज्यादा चाह सकते थे। ये ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो अधूरी रह गई हो। क्या मैं भी तुम्हारी जिंदगी की एक ख्वाहिश हूं? तुम तो जिंदगी हो शहरोज, तुम्हें तो मैं गौर से भी नहीं देखती कि कहीं अपनी नजर ना लग जाए। पागल होता घर के सारे काम निमट गया ना, जो फजूल फोन लेकर बैठ गई हो। अमीर शहरोज ने कहा था कि मैं शादी के कार्ड देख लूं, जल्द से जल्द प्रिंट करने के लिए देने। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है, शहरोज गया कहाँ? मार्केट गया किराया लेने के लिए। ताबिंदा ताबिंदा शुभाना जी, सुना है मार्केट में झगड़ा हो गया है शहरोज का, और कहते हैं गोली भी चली है। ताबिंदा कहाँ है? ताबिंदा ताबिंदा मानो यादों का ये समा, जीने का ये तवा।